हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद हसन फ्रॉम W3OurSchool.net। jQuery की क्लासेस में हम एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि गेम गेम का नेम है टिक टैक टो। प्रीवियस क्लास में मैंने उसका एक बेसिक सा जो लेआउट था HTML में वो बनाया था, और ये देखिए मैंने रन करके भी दिखाया तो ये कुछ इस तरह से हो रहा था। अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं CSS के अंदर, इसको हम एक खूबसूरत सा लेआउट देते हैं। यू नो के जो जितने भी HTML के टैग हैं, कंटेंट्स होते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ मार्जिन एंड पैडिंग होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम CSS में आके स्टैरिक यूज़ करते हैं, स्टैरिक का साइन लिख के, और यहाँ पे हम लिखते होते हैं मार्जिन, सॉरी यहाँ पे मार्जिन आएगा, मार्जिन यहाँ पे लिखते हैं 0 एंड पैडिंग हम लिखते हैं वो भी 0। इससे क्या होता है कि जितने मार्जिन पैडिंग होगी तो वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। ये देख लें, अब ये साथ साथ यहाँ पे शो होंगे, पहले ये सब नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहले मैं करता हूँ बॉडी को टारगेट। बॉडी में क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड सेट करता हूँ लाइट ग्रीन, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद फॉन्ट फैमिली मैं वो रखता हूँ कि पूरे हमारे इस पेज में फॉन्ट फैमिली सेम रहेगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल, उसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ सेंस, और यहाँ पे सेरिफ। देखते हैं चेंज होता है। ये देखिए हमारा बॉडी का बैकग्राउंड भी चेंज हो गया, और उसके बाद जो फॉन्ट फैमिली है वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब मैं आता हूँ जो मैंने एक बनाया था हेडर, यहाँ पे है हेडर, उसको मैं सेट करता हूँ हेडर को। तो यहाँ पे हेडर को यहाँ जो विड्थ है वो मैं देता हूँ इसको 67 पिक्सल की, सॉरी 67%। उसके बाद इसको बॉर्डर में सेट कर देता हूँ, बॉर्डर वो होगा 1 पिक्सल सॉलिड वाइट रख लेता हूँ, सॉलिड यहाँ पे आएगा पिक्सल। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन ऑटो, इसे क्या होगा, सेंटर में हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस भी हम इसको सेट कर देते हैं 10 पिक्सल का। रिफ्रेश एंड सेव, लेट मी चेक। ये देखें, ये कुछ इस तरह शो हो रहा है। अभी हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है तो ये बेहतर शो होगा। और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई थी नोट की इस हेडर के अंदर, उसको मैं यहाँ पे स्टाइल करना चाहता हूँ। इसको मैं बैकग्राउंड देता हूँ, वो होगा बैकग्राउंड कलर 5C0900। उसके बाद इसका बॉर्डर रेडियस भी सेम 10 पिक्सल ही होगा, लेकिन इसका हम 10 पिक्सल, क्योंकि देखें ये अगर मैं इसको 10 पिक्सल दूं तो ये नीचे से भी हो जाएगा, यहाँ से भी। तो हमने करना है ये यहाँ से टॉप लेफ्ट और टॉप राइट साइड से, इसके लिए हम यहाँ पे ये वैल्यू देंगे 10 पिक्सल 10 पिक्सल एंड 0 एंड 0। ये मैं इसको वैल्यू दूंगा। और उसके बाद अब मैं आता हूँ जो मेरा पैराग्राफ है नोट के, इस जो मैंने क्लास बनाई थी डिव, उसकी क्लास थी नोट, उसके अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया था, उसका मैं फॉन्ट साइज सेट कर लेता हूँ 24 पिक्सल, और पैडिंग मैं रख लेता हूँ उसकी 15 पिक्सल, एंड कलर टेक्स्ट कलर जो होगा वो वाइट विल बी द बेस्ट। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें, ये हमें कुछ इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हम आते हैं नीचे, बॉर्डर रेडियस नोट, ये यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया है। ये जो चीज़ मैंने लिखनी है वो यहाँ पे मैंने लिखनी है, ये देखें बॉर्डर यहाँ से भी रेडियस शो कर रहा है, यहाँ से आ रहा है, हम ये नहीं चाहते। तो अब देखें, ये यहाँ पे ऊपर रेडियस है लेकिन यहाँ पे नीचे रेडियस शो नहीं हो रहा, मैं भी यही चाहता था। तो अब मैं आता हूँ नीचे, और उसके बाद जो मैंने एक और क्लास बनाई थी जो कि थी डिटेल की, ये डिव टैग बनाया था मैंने, उसको लिखा था डिटेल। उसका बैकग्राउंड में कलर यहाँ पे सेट करता हूँ ग्रीन, और उसका बॉर्डर रेडियस जो होगा इसका बॉर्डर रेडियस सेम वही होगा, लेकिन इसमें हम इसको वैल्यूज़ को जो है वो चेंज करेंगे।
यहाँ से 0 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, क्योंकि ये हम टॉप बॉटम राइट और बॉटम लेफ्ट की जानब इसका चेंज करेंगे। तो और इसके बाद मैं डिटेल में जो एक मैंने बनाया था पी टैग उसको हिट करता हूँ यहाँ पे, और उसका जो सेम फॉन्ट साइज इसको मैं रखता हूँ 18 पिक्सल, लेकिन ये यहाँ पे फॉन्ट फैमिली आ गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉन्ट साइज 18 पिक्सल एंड पैडिंग इसकी होगी 20 पिक्सल एंड कलर भी इसका होगा वाइट। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें, ये हम जो मैं चाहता था वो इस तरह की कुछ डिजाइनिंग हो गई है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में गेम का दिखाया था, ये कुछ इस तरह की डिजाइनिंग इसकी हो गई है। अब हम आते हैं अपने गेम में, जो मेरे गेम है उसमें सबसे पहले तो H1 को करता हूँ टारगेट, और H1 को कलर मैं देता हूँ वाइट, और टेक्स्ट अलाइन मैं इसको करता हूँ सेंटर में, और पैडिंग टॉप में दे देता हूँ इसको पैडिंग टॉप 35 पिक्सल की। और अब मैं चाहता हूँ, जो मैंने कंटेनर बनाया था डेव था, उसकी आईडी मैंने रखी थी कंटेनर की, उसको मैं यहाँ पे हिट करके यहाँ पे इसको विड्थ सेट कर देता हूँ। विड्थ मेरी होगी 350 पिक्सल, और ओवरफ्लो हम सेट करते हैं इसका ऑटो में, और उसके बाद इस मार्जिन में इसको दे देता हूँ, ये होगा 40 पिक्सल ऑटो, और उसके इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं सेट कर देता हूँ, वो होगा D000 एंड DB, और उसके बाद इसको पैडिंग बॉटम मैं दे देता हूँ, पैडिंग बॉटम जो होगी वो मैं इसको देता हूँ 40 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस वो होगा इसका 10 पिक्सल। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें कुछ मैं अच्छा सा इसका व्यू मिल रहा है। अभी हम इसकी मज़ीद स्टाइलिंग करते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे, और उसके बाद ये जो मैंने लिखा था एक आईडी बनाई थी यूएल टैग, उसको मैंने ये था यहाँ पे बोर्ड आईडी दी थी, ये सब कुछ यहाँ पे गिवन है। यहीं पे देखें, ये जो मैंने अभी बोर्ड आईडी पे की है वो यहाँ से यूएल टैग ही की है। इसको हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट जो होगा वो 40 पिक्सल का। उसके बाद मैं अब आता हूँ इसी आईडी में बोर्ड के अंदर जो LI टैग है उसमें, इसको मैं करता हूँ कि ये फ्लोर जो है वो लेफ्ट हो, उसका मार्जिन भी मैं सेट कर देता हूँ 10 पिक्सल एंड इसकी हाइट एंड विड्थ हम सेट करते हैं 70 पिक्सल, ये भी विड्थ भी 70 पिक्सल, और उसके बाद फॉन्ट साइज हम इसका सेट करते हैं जी 55 पिक्सल, और अब बैकग्राउंड में इसका सेट करता हूँ वो होगा जी D6D, ये रख लेता हूँ मैं, सो D6D6 ऑफ वाइट सा कलर है, और इसका जो टेक्स्ट कलर हम रखेंगे वो होगा ब्लैक, और लिस्ट स्टाइल जो होगी नन, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम कर देते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट वो होगी इसकी सेंटर में, और बॉर्डर रेडियस भी इसका हम सेट कर देते हैं 50% पे। ये देखें जी, अब ये हमें कितना यहाँ पे अच्छा लग रहा है, ये जो लिस्ट आइटम्स मैंने लगाए थे ये सारे। अब हमें जो हमने बटन बनाया था लास्ट पे उसकी भी स्टाइलिंग करते हैं, और बटन की जो आईडी मैंने दी थी वो था, बटन की आईडी मैंने दी थी लास्ट पर, मैं लेट मी चेक रिसेट, तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिसेट, और
विद इन दिस रिसेट आईडी, यहाँ पे इसको हम बटन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो सेम जो मैंने ऊपर दिया है D6 यही दे देता हूँ, सेम में हम रखने वाले हैं। और उसको फॉन्ट साइज बटन का मैं दे देता हूँ, फॉन्ट साइज बटन का 28 पिक्सल तक रखता हूँ मैं। और इसका जो बटन का कलर होगा, टेक्स्ट कलर होगा, वो भी ब्लैक ही होगा। और उसके बाद इसकी जो बटन की विड्थ होगी वो होगी 70% तक। उसका जो पैडिंग हम सेट करते हैं वो होगी इसकी पैडिंग 15 पिक्सल इनफ। और उसके बाद इस बॉर्डर रेडियस में बटन का जो सेट करता हूँ वो होगा 5 पिक्सल। और इस बटन को मार्जिन लेफ्ट से मैं दे देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 52 पिक्सल। और फॉन्ट वेट बटन का हम रख लेते हैं, फॉन्ट वेट होगा बोल्ड, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये देखें, यहाँ तक हमारा बेसिक लेआउट बन चुका। अभी भी हम इस पर कुछ स्टाइलिंग करते हैं कि जब मैं अपना कर्जा लेके जाऊँ, जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पे क्या क्या इफेक्ट हो। सबसे पहले मैं आता हूँ इस बोर्ड LI पे, और इस पर मैं एच ओवर इफेक्ट लगाता हूँ। तो वो कैसे होगा कि मेरा कर्जर तो इस पर पॉइंटर शो हो, उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो। A0 पे रख लेता हूँ, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखें, जो मैं इस पर कलर लेके आता हूँ तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। सेम मैं यही इफेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, जो मैंने अभी बटन बनाया उसकी आईडी है रिसेट की, और यहाँ पे लिखता हूँ एच ओवर। तो अब देखें ये भी साथ ही चेंज हो रहा है। उसके बाद अब मैं एक और काम करता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो उस वक्त इस पर कोई इफेक्ट शो हो। जब मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एच ओवर की जगह पे एक्टिव। इसका सिर्फ हम बैकग्राउंड कलर ही चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख इसको रिमूव करके ग्रीन सा बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 52BB0C। देखें अब मैं जब इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये बटन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द क्लिक। तो अब यहाँ तक मेरी पूरी जो गेम है इसका पूरा डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो चुकी। अब मैं एक यहाँ पे एक और चीज़ बनाता हूँ कि जब मैं एक यहाँ पे क्लास बनाने वाला हूँ, आपने ऐड और रिमूव क्लास की होगी, जो हमारा जेक्यूरी में शुरू में स्टार्टिंग में कर रहे थे। हम क्लास को ऐड भी करते थे, क्लास को रिमूव भी करते थे। तो मैं यहाँ पे वही क्लास बनाने वाला हूँ। पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ ओ, इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ग्रीन। उसके बाद एक और मैं क्लास बनाता हूँ जो होगी एक्स के नेम से, इसका जो टेक्स्ट कलर मैं रख लेता हूँ वो होगा रेड। मीन्स ये कि मैं क्यों बना रहा हूँ कि जो मेरा प्लेयर वन होगा वो जब कोई बटन सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पे ओ शो होगा कैपिटल लेटर में, जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था, गेम के इंट्रोडक्शन में वो ग्रीन कलर में होगा। और जो प्लेयर टू होगा वो जो क्रॉस या एक्स वहाँ पे शो हो रहा होगा वो रेड कलर में होगा। तो ये मैंने इसलिए बनाया, ये क्लास कहीं पे यूज़ अभी नहीं हो रही, लेकिन जब हम फंक्शन में आकर जेक्यूरी का कोड लिखेंगे तो वहाँ पे मैं इन दोनों क्लासेस को ऐड भी करूँगा, रिमूव भी करूँगा। तो ये क्लास मैंने इसलिए बनाई है। तो इस क्लास तक हमारा जेक्यूरी का जो जेक्यूरी में हम गेम बना रहे हैं इसका जो बेसिक सा लेआउट है वो भी हमने यहाँ तक कर लिया है कम्प्लीट। तो नेक्स्ट क्लास से हम इसका जो फंक्शन है जेक्यूरी के अंदर वो हम बनाएंगे। तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करते रहें, यूट्यूब के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, पेज को भी लाइक कर लें, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें फेसबुक के, ये सब लिंक जो है मेरी वेबसाइट है W3Jobschool.net इस पर गिवन है। मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।